प्रकृति की सभी शक्तियों में सारे ब्रह्मांड के मूल में ये 10 महाविद्या हैं, जो प्रकृति के कण कण में समाहित हैं। 10 महाविद्याओं का संबंध मूल रूप से देवी सती, शिव, पार्वती तथा दक्ष प्रजापति की कथा से है। ये ही नवदुर्गा, चामुंडा तथा विष्णुप्रिया आदि नामों से पूजित और अर्चित होती हैं। शास्त्रों और पुराणों में 10 महाविद्याओं का वर्णन मिलता है। तंत्र विद्या में 10 महाविद्याओं का विशेष महत्व है। महाविद्या का अर्थ महा अर्थात महान, विशाल तथा विद्या अर्थात ज्ञान है। 10 महाविद्या की उपासना करने से विशेष फल प्राप्त होता है। माँ दुर्गा के ही दशावतार 10 महाविद्या है। 10 का सबसे ज्यादा महत्व है। संसार में 10 दिशाएं स्पष्ट हैं। इसी तरह 1 से 10 तक के बिना अंकों की गणना संभव नहीं है। 10 महाविद्या में काली प्रथम रूप है। काली का यह रूप साक्षात और जागृत है। दैत्यों का वध करने के लिए देवी ने ये रूप धरा था। सिद्धि प्राप्त करने के लिए काली की वीरभाव में पूजा की जाती है। काली तत्काल प्रसन्न होने वाली और तत्काल ही रूठने वाली देवी है। बगलामुखी देवी की साधना युद्ध में विजय होने और शत्रुओं के नाश के लिए की जाती है। इनकी साधना शत्रु भय से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए की जाती है। तंत्र शास्त्र में देवी तारा का विशेष महत्व है। तारने वाली कहने के कारण देवी को तारा भी कहा जाता है। सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने तारा की आराधना की थी। तारा रूपी देवी की साधना करना तंत्र साधकों के लिए सर्वसिद्धिकारक माना गया है। सर्वस्व रूपे सर्वे से सर्वशक्ति समन्वते भयभ्यश्रायिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तु। ये 10 महाविद्याएं जो है देवी के रूप है। ये विशेष जो अधिकतर तंत्र साधक होते हैं जी, वो इनकी पूजा करते हैं। विशेषकर 10 महाविद्याओं में बगलामुखी, काली, तारा, छिन्नमस्ता, धूमावती और कमला, षोडशी इत्यादि, इन देवियों का क्रम क्रम से अलग अलग कामनाओं के हिसाब से इनका पूजन, जब यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि जो है उनके किए जाते हैं। लेकिन वर्तमान में तो ऐसा देखने में भी आ रहा है कि जैसे जो जन सामान्य भी जैसे आपने बताया कि तंत्र के विषय में लोग ज़्यादा इसमें रुचि, प्राचीन समय में हम देखते थे 10 महाविद्या के अनुष्ठान है, आजकल तो ऐसा देखने में आ रहा है कि जन सामान्य भी उन्मुख हो रहा है 10 महाविद्या के विषय में जानकारी के लिए और उनकी जिज्ञासा के लिए, पूजा के लिए। तो इसका विशेष उद्देश्य क्या है लोगों का? ऐसा है, देवी भागवत में बहुत विस्तार से इनका वर्णन किया है। देवियों के अलग अलग स्वरूप हैं, अलग अलग कारणों से इनकी उत्पत्ति है जी। तो हर लोग ये जानना चाहते हैं कि कौन सी देवी से किस प्रकार इनकी उत्पत्ति हुई और किस कारण से हुई, किस प्रकार की कामनाओं की पूर्ति, कामनाओं की पूर्ति के लिए जो है लोग इनमें जब यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि। और इसमें भी हमने ज्यादा देखा है कि बगलामुखी की साधना को लोग ज्यादा वरीयता आप देखेंगे, जैसे कि जैसे हम वर्तमान में देखने में आता है बगलामुखी साधना के लिए। जैसे हमारे यहाँ अगर हम लौकिक में अगर देखें जी, लौकिक में जैसे ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है जी, उसी तरह एक हम दैविक अगर उसमें जाएं जी, तो देवी बगलामुखी को एक सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, न्याय की देवी के लिए जी। तो लोग जो है न्याय मांगने के लिए या जो विशेष अपनी इस तरह की विपत्तियां उनके ऊपर आ जाती हैं जी, तो उससे निपटने के लिए जी बगलामुखी का अनुष्ठान किया।
इनकी साधना दो कुलों के रूप में की जाती है। ये कुल हैं श्री कुल और काली कुल। कुछ ऋषियों ने इन्हें तीन रूपों में माना है, जो उग्र सौम्य और सौम्योग्र है। उग्र में काली छिन्नमस्ता धूमावती और बगलामुखी है, तथा सौम्य में त्रिपुर सुंदरी भुवनेश्वरी मातंगी और कमला है। षोडशी माहेश्वरी शक्ति की विग्रह वाली शक्ति है। इनकी चार भुजा और तीन नेत्र हैं। इसे ललिता राज राजेश्वरी और त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है। इनमें षोडश कलाएं पूर्ण है, इसलिए षोडशी भी कहा जाता है। ये शांत मुद्रा में लेटे हुए सदाशिव पर स्थित कमल के आसन पर आसीन हैं। धूमावती देवी का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए यह विधवा मानी गई है। इनकी साधना से जीवन में निडरता और निश्चिंतता आती है। देवी का अनुष्ठान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, और रूप यह है कि जैसे अगर हम नवचंडी करते हैं उसमें केवल नौ पाठ होते हैं, अगर यज्ञ विधान से अगर हम उसको करें तो उसमें भी हमारी जो है कि सारी वेदियां बनेंगी जी, पंचांग वास्तु योगिनी क्षेत्रपाल ग्रह मंडल और सप्तभिष्ट मात्र का जो भी उसकी विधि है जी, वो सारी विधियां उसमें भी होंगी जी। वो सामर्थ्य के अनुसार उसमें केवल एक पंचांग बना करके सर्तोभद्र बना करके भी हम उस यज्ञ को कर सकते हैं। अगर विस्तृत रूप अगर उसमें देना है हमें जी, जैसे सचंडी है सौ पाठ है तो उसमें यज्ञ मंडप भी चाहिए जी, यज्ञ मंडप का स्वरूप देना पड़ेगा, अलग अलग वेदियां भी बनेंगी उसमें क्योंकि उसमें सौ पाठ है। लेकिन दस महाविद्या अनुष्ठान जैसे आपने किया है, इसका क्रम सचंडी से किस प्रकार थोड़ा भिन्न है, मतलब जैसे मंत्रों का कहें या दशांश हवन का कहें, मतलब किस क्रम में आप थोड़ा इसमें अंतर अगर आप देखें। इसमें दस महाविद्याओं में जो है कि दस महाविद्याओं की अलग अलग देवियों के अलग 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 मंत्र हैं, और उन मंत्रों की संख्या के हिसाब से जो संख्या है उस संख्या के हिसाब से उनका दशांश हवन का है। तो बीज मंत्रों का इसमें बीज मंत्रों का ज्यादा इसमें वो है, देवी का जो देवी के सारे बीज मंत्र दसों देवियों के बीज दसों देवियों के बीज मंत्र जी, उनका जाप है जी, उनका फिर दशांश हवन है उनके इस्तेमाल। अब सचंडी इत्यादि जो पाठ हैं उनमें पूरे पाठ है सौ, पूरे सौ पाठ है। और चंडी का चाहिए शास्त्र चंडी कर लो या लक्ष्य चंडी कर लो जी, इसमें पाठ की पूर्ति है और इसमें मंत्रों का जो इसमें मंत्रों का है मंत्रों का जो क्रम है उस प्रकार से इसमें किया जाता है। महाविद्याएं आदि शक्ति पार्वती का ही रूप मानी जाती हैं। दस महाविद्या विभिन्न दिशाओं की अधिष्ठात्री शक्तियां हैं। देवी के वैसे तो अनंत रूप है, पर इनमें भी तारा काली और षोडशी के रूपों की पूजा भेद रूप में प्रसिद्ध हैं। भगवती के इस संसार में आने के और रूप धारण करने के कारणों की चर्चा मुख्यतः जगत कल्याण साधक के कार्य उपासना की सफलता तथा दानवों का नाश करने के लिए हुई है। भुवनेश्वरी को आदिशक्ति और मूल प्रकृति भी कहा गया है। भुवनेश्वरी ही शताक्षी और शाकंभरी नाम से प्रसिद्ध हुई। भक्तों को अभय एवं सिद्धियां प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। छिन्नमस्ता देवी काली का ही स्वरूप है। इनका सिर कटा हुआ और इनके कबंध से रक्त की तीन धाराएं बह रही है। इनकी तीन आँखें हैं और ये मदन और रति पर आसीन है। शांत भाव से इनकी उपासना करने पर यह अपने शांत स्वरूप को प्रकट करती हैं। उग्र रूप में उपासना करने पर यह उग्र रूप में दर्शन देती हैं। त्रिपुर भैरवी की उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। त्रिपुर भैरवी का स्वरूप सृष्टि के निर्माण और सहार क्रम को जारी रखे हुए हैं। देवी त्रिपुर भैरवी तमोगुण एवं रजोगुण से परिपूर्ण हैं। देवी के अन्य 13 स्वरूप हैं। त्रिपुर भैरवी कंठ में मुंडमाला धारण किए हुए हैं। देवी ने अपने हाथों में माला धारण कर रखी है। उन्होंने अभय और वरमुद्रा धारण कर रखी है जो भक्तों को सौभाग्य प्रदान करती है।
तो जैसे कि ये कहा जाता है कि कलयुग में 10 महाविद्या की साधना जो है धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाली है और कार्य सिद्ध करने वाली है, तो इसी प्रकार का लोगों का मत है, तो ये क्या है, ये मत उचित है? कलयुग में चंडी पाठ जो है देवी की आराधना और गणेश जी की आराधना बहुत ज्यादा फलदायी, तात्कालिक फल देने, तात्कालिक फल देने वाली जी, इसलिए जो है देवी के पाठ को, देवी के आराधना लोगों को करनी चाहिए। लेकिन 10 महाविद्या का जैसे हम अनुष्ठान का नाम लेते हैं तो लोग ऐसा मानने लगते हैं कि नहीं ये तो तंत्र की ही साधना है, जैसे इस प्रकार जन सामान्य में एक भ्रांति है, जबकि ये अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए देवियों का अनुष्ठान है, तो इस प्रकार भी किया जाता है ना, तो लोगों में एक भ्रांति भी बैठी हुई है इस प्रकार। कामना परक है, इसमें जो है कुछ देवियां सात्विक प्रवृत्ति की है और कुछ जो है तामसी प्रवृत्ति की है, कुछ राजसी प्रवृत्ति की है, जिनमें राजोपचार की पूजा होती है, राजोपचार है, जिनमें तामसी है, जैसे आप त्रिपुर सुंदरी की बात कहेंगे तो राजोपचार है, या धूमावती की बात कहेंगे तो थोड़ा तामसिक है जी, तो इनको अगर हम सात्विक रूप से पूजा करते हैं तो सात्विक रूप से भी हमें वह फल देती है, वही फल देती है, तो सात्विक और जो वैदिक रीति से किया जाए तो वही वही फल वही श्रेष्ठ है और कलयुग में श्रेष्ठ फल देने। मतंग शिव का नाम है एवं मातंगी असुरों को मोहित करने वाली और साधकों को अभिष्ट फल देने वाली शिव की शक्ति है। 10 महाविद्या की अंतिम शक्ति कमला दरिद्रता, संकट, गृहकलह और अशांति को दूर करती है। इनकी सेवा और भक्ति से व्यक्ति सुख और समृद्धि पूर्ण रहकर शांतिमय जीवन बिताता है।